जी जी आपको अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए बालाजी। इतनी सी अवस्था में उसने मुगल साजिश को विफल करके सिद्ध कर दिया है कि वो आप ही का पुत्र है। वो कहते हैं ना, फूल पर बाग की मिट्टी का असर तो होता है। यदि हमारे हर गांव में एक ऐसा बाजी पैदा हो जाए ना, तो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। ऐसा है, राजकाज राजा के नींद राजा के स्वास्थ्य से अधिक आवश्यक है क्या? हमें इतनी रात को क्यों जगाया है? कोई विशेष बात है क्या? दाना जी राज्य के आंतरिक सुरक्षा के बारे में कुछ सूचना लाए हैं। शिव जयंती पर हमला हुआ है। हमें पता है, ये खबर तो पुरानी है आई साहेब। क्षमा करो महाराज, सूचना पुरानी हो जाने से मुसीबत पुरानी नहीं हो जाती। ये हमले मात्र सारसवड़ पर ही नहीं, सतारा के आसपास पांच और गांव में भी हुए हैं। एक गांव में हो या छह गांव में, हमला तो हो चुका ना। हमारी नींद खराब करके क्या लाभ? बालाजी सूचना लाए हैं कि गुड़ी पाड़वा के दौरान मुगल सतारा पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। रानी साहब, पहले मात्र आशंका थी कि गुड़ी पाड़वा के दौरान औरंगजेब कुछ करने वाला है, लेकिन शिव जयंती के हमले से इस बात की पुष्टि हो गई। सूचना पक्की है रानी साहब, गुड़ी पाड़वा पे हमला होगा। तो इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव नहीं होगा। क्षमा करा महाराज, हमें कायरता नहीं दिखानी, सावधानी बरतनी है। यदि हमने ये उत्सव नहीं मनाया तो प्रजा को लगेगा कि हम अपनी ही राजधानी की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। बोलिए बालाजी, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। आपके संस्कारों ने आपके पुत्र को वीर बनाया है। हम उसे संस्कार देते तो हमारा पुत्र बाजी हमें प्रेरणा देता है अभी गांव वालों के मन से इस हमले का भय दूर करने के लिए। उसने भयासुर नामक काल्पनिक दैत्य बनाकर उन्हें समझाया कि शत्रु को हराने से पहले भय को हराना पड़ता है। हमारे विचार से इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए ताकि मुगलों तक संदेश पहुंचे कि रक्त बहने से वीर नहीं डरते, बल्कि उसे धरती का श्रृंगार मानकर उत्सव मनाते हैं। हमारे विचार में हमें गुड़ी पाड़वा के पूर्व ही आसपास के मुगल किलों पर हमला करना चाहिए। उत्तर में सिखों के साथ चल रहे युद्ध के कारण औरंगजेब भारी नुकसान उठा रहा है, उनकी सेनाएं बटी हुई है। ऐसे में हमें भी उन पर वार करना चाहिए। आपका क्या मत है राजे? जो भी आपको ठीक लगे आई साहब। पंथ प्रतिनिधि जी ने जो कहा वो रणनीति के दृष्टि से तो सही है, पर गुड़ी पाड़वा एक ऐसा अवसर है जब हमारे सैनिक अपने घर जाते हैं, भले थोड़े ही समय के लिए। सीमा पर जिस परिवार के लिए वो खड़े हैं उनसे मिलने का अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सैनिकों को लगेगा कि राजे उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। तो फिर क्या आदेश है रानी साहिब? गुड़ी पाड़वा तक सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए।
और उसके बाद आक्रमण। और रानी साहब, हम भी अपनी तलवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। पुरानी सहेली है, याद तो आएगी ही। पाजी, हाँ बेटा, लेट ही रहे, लेट, लेट। विश, विश तो उतर गया है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में हैं, मुझे जाना है, उन्हें डाकू उठा के लेके गए। डाकू? डाकू नहीं, दंडक। जंगल से चूहे पकड़ के लाया है बैरा। अच्छा है, अच्छा है, अब ये छोटे छोटे चूहे हमारे बड़े बड़े काम आएंगे। दंडक और उसके दरोड़े खोर मानव नहीं, दानव है। और इस वन में आने वाले जो भाग्यशाली होते हैं वो शेर से टकराते हैं, और जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो दंडक से। उसे लोगों को पीड़ा देने में बहुत आनंद आता है। बाकी दरोड़ी खोरों की तरह वो तलवार से गर्दन नहीं काटता, वो हथौड़े से हड्डियां तोड़ता है। और वो अपने हथौड़े सीना छूर से तब तक हड्डियां तोड़ता है जब तक इंसान अपना दम ना तोड़ दे। या लगा दे इनको काम पे। कौन सा काम? हम कोई काम वाम नहीं करेंगे, हमें घर जाना है। 25 वर्षों से दंडक इस वन में है, 25 वर्षों से इस वन में सिंह नहीं दहाड़ा, क्योंकि दंडक को ऊंची आवाज पसंद नहीं। और तूने दंडक के सामने आवाज ऊंची की। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, जंजीर को तोड़ने का मजा तभी आता है जब उसका लोहा मजबूत हो। इस जंजीर को भी तोड़ने का मजा आएगा। बता शिलाचूर, क्या दंड दे इसे? तुम्हारा दंडक, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, दंडक तेरी जिंदगी बख्श देगा, लेकिन तुझे मेरे लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होगी। जाओ। मैं कोई वृक्ष नहीं काटूंगा, मेरी आई कहती है वृक्ष भी जीवित होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए एक वृक्ष को काटने पर मानव हत्या का पाप लगता है। आई कहती है, आई कहती है, आई, आई सब कुछ सच नहीं कहती है। मानव हत्या पाप नहीं, सबसे बड़ा सुख है। रक्त में सने हुए पीड़ा से तड़पते
लोगों की चीखे मधुर संगीत है। पाप पुण्य ये न तो मैं जानता हूं और न ये शिलाचूर और न वो मुगल जिन्हें मैं लकड़ियां बेचता हूं। इसलिए जाओ और मेरे लिए लकड़ियां काट के लाओ। तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा और उन मुगलों के लिए तो कभी नहीं, कदित नहीं। दंडक को इनकार करने का दंड क्या होता है? मुझे हर दंड स्वीकार है पर मुगलों के लिए पाप करना स्वीकार नहीं है। मान जा पिल्ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। हट, छोड़ दे, छोड़ दे हट। जो हट ही नहीं वो मराठ ही नहीं। तुम पिल्लों में से इसके साथ और कौन है? मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में हैं, मुझे जाना है। तुम नहीं जा सकती, बहुत कमजोर हो अभी। जिस माँ के बच्चे संकट में हो वो तन से कमजोर हो सकती है, मन से नहीं। और मैं मात्र बाजी की माँ नहीं हूँ, उसके मित्रों की भी माँ हूँ। उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जाना होगा। लेकिन तुम इस वन में कैसे ढूंढूंगी उन्हें? हाँ, वो दरोड़ेखोर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। दरोड़ेखोर छुपे कहीं भी हो, है तो इसी धरती पर ना। हम धरती को माँ कहते हैं और एक माँ दूसरे माँ से अपने बच्चों को कभी दूर नहीं रख सकती। हमारे लिए लकड़ियाँ काट के ला। हमारे जीवन के खातिर और छोड़ दे। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। सुना तुमने शिलाचूर? सुना सुना तुमने इसने क्या कहा? दंडक प्रसन्न हुआ। बाई, तुम तो घोड़े पर भी नहीं चढ़ पा रही हो, ऐसा ना हो कि घोड़ा ही तुम्हें गिरा दे। ये मेरा मल्लारी है, मेरे बाजी का भाई और मेरा तीसरा पुत्र, हमेशा माँ को सहारा देता है, कभी गिराता नहीं है। मैं ये तो नहीं जानती कि वो दंडक तेरे बच्चों को कहाँ लेकर गया, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि दंडक के दरोड़ेखोर जंगल की लकड़ियाँ काट मुगलों की टाल पे बेचने आते हैं और उनके हाथ में हथौड़े भी होते हैं। अगर तू उनको ढूंढ लेगी ना तो शायद अपने बच्चों को भी ढूंढ लेगी। खुदा का शुक्र मनाइए शहजादे कि उम्र ने हमारे जोश पर होश की लगाम कस दी है, वरना इस वक्त आपकी आंखें हमारी हथेली पर होती ताकि हमारे बाद मुगलिया सल्तनत की बागडोर आपके कमजोर हाथों में नहीं होती। आप लोगों को बिना बताए इस नाचीज ने सातारा के पास 5 गांव में हमले करवाए और नतीजा कामयाबी। हुजूर, कोशिश तो हमने भी की। सियासत कोशिश नहीं कामयाबी मांगती है।
अब आप दोनों हमें जरा ये बताने की जहमत करेंगे कि आगे कुछ करने भी वाले हैं या नहीं? हुजूर, मैं मानता हूँ कि सासवड़ में हमारा हमला नाकाम रहा, लेकिन मराठियों की फौज को वहां से निकालने का हमारा मंसूबा कामयाब रहा और गुड़ी पाड़वा के दिन वहां एक धमाका होगा जिसमें तारा रानी साहब मारी जाएंगे और गुड़ी पाड़वा के दिन वहां एक धमाका होगा जिसमें तारा रानी साहब मारी जाएंगे। हुजूर, ये खाकसार शाहू जी के सरदारों से मिलकर उन्हें मुगलों से मिल जाने की दावत देने वाला है। वो मराठी सरदार अगर हमारे साथ मिल गए तो नतीजन हमारी कातिल परवीन का सतारा में घुसना आसान हो जाएगा। ये परवीन ही वो धमाका करेगी जिससे तारा रानी साहब का जीवन फना हो जाएगा। तो अब आपके तरकश में कोई और तीर है भैया? तीर तो बस एक ही है, पर इस तीर के निशाने दो हैं, तारा रानी साहब और बालाजी भट्ट। हुजूर, वो शख्स हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है और इसीलिए तारा रानी साहब से पहले वो परवीन के निशाने पर है। शहजादे, जी नहीं हुजूर, हमारी तरकश में और कोई तीर नहीं है, क्योंकि वो तीर हम चला चुके हैं। हम कमरुद्दीन की मराठी सरदारों से मुलाकात की खबर तारा रानी साहब तक भिजवा चुके हैं ताकि हम कामयाब हों और कमरुद्दीन नाकाम। अच्छा है, मुगलों की चालें और तलवार दोनों दो धारी होती हैं। दुश्मन एक से बचेगा तो दूसरी से जरूर कटेगा। मेरा ये मित्र लकड़ियां नहीं उठा सकता। अगर ये लकड़ियां नहीं उठा सकता तो किस काम का? लंगड़े घोड़े को मार देना ही सही है। बाजी, मेरे मित्र को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। मेमने मिलकर भेड़िए को आंखें दिखा रहे हैं। बाजी, तू इस लड़के की मदद करना चाहता है, ठीक है, इसके हिस्से की लकड़ियां भी तू ही उठाएगा। नहीं, मैं लकड़ियां उठाता हूँ, उछल तुम ही। राव दे नाको गोटिया, जब तक हम सब यहाँ से घर नहीं चले जाते तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो ना मैं तुम्हारी आई को जवाब दे पाऊंगा और ना ही मेरी आई को। साला, उतला। साला। बाजी, बाजी। जब तक बाहर कंधे पे ना पड़े, बकरी का बच्चा भी अपने आप को बैल ही समझता है पिल्ले। दोषों का बार अपने कंधे पे उठाना बच्चों का खेल नहीं। हार मान जा पिल्ले, मान जा हार। मेरे बाबा ने ना मुझे हारना सिखाया है और ना ही हार मानना। भाजी, कब तक ऐसे तोतों लकड़ियां उठाएगा? बाहर निकलने का मार्ग सोच। वही सोच रहा हूँ परसों।